नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज 13 फरवरी 2023 के सबसे पहले हम लोग जो है गोल्ड के प्राइजेस समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते जो है गोल्ड के प्राइजेस क्या रह सकते हैं और क्यों रह सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग गोल्ड के प्राइजेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें 24 कैरेट 999 गोल्ड की, तो इसके जो प्राइजेस आज है 57,740 रुपीज है। इसके बाद में 24 कैरेट 995 गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो प्राइजेस है 57,470 है। इसके बाद में 23 कैरेट 958 गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो प्राइजेस है 55,620 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों 22 कैरेट 916 हॉलमार्क की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो प्राइजेस है 53,200 रुपीज है। इसके बाद में दोस्तों 20 कैरेट 833 गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो प्राइजेस है 48,370 रुपीज है। 18 कैरेट 750 हॉलमार्क की अगर हम लोग बात करें, तो इसको जो प्राइजेस है 43,540 रुपीज है। इसके बाद में 14 कैरेट 583 की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो प्राइजेस है 33,860 रुपीज है। इसके बाद में सिल्वर 999 1 kg की अगर हम लोग बात करें, तो इसके जो प्राइजेस है 67,560 रुपीज है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने कुछ अलग अलग सिटीज के गोल्ड के प्राइजेस मेंशन कर दिए हैं। जो भी सिटी आपके आसपास पड़ती हो वहाँ के जो प्राइजेस है वो आप अपने एरिया के गोल्ड के प्राइजेस मान के चल सकते हैं। कुछ और सिटीज के भी यहाँ पे जो है मैंने गोल्ड के प्राइजेस मेंशन कर दिए हैं। ये जो गोल्ड के प्राइजेस है इंडिकेटिव गोल्ड के प्राइजेस है और इसमें 3% GST एड ऑन नहीं है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अगले हफ्ते जो है गोल्ड के प्राइजेस क्या रहने वाले हैं, तो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों कि जो US है या फिर जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे जो है गोल्ड के प्राइजेस जो है स्टेबल ही रहे हैं, यहाँ तक कि थोड़े बहुत कम भी हुए हैं। और गोल्ड के प्राइजेस जो US में है वो लास्ट 1 month के सबसे निचले स्तर पे चले गए थे, फिर भी हमारे इंडिया में गोल्ड के प्राइजेस जो है स्टेबल है। उसका कारण ये है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर हुआ है और डॉलर हम लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं जो है मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि डॉलर कितना जो है मजबूत हुआ है और रुपया कितना कम हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डॉलर वर्सेस रुपीज में 82.70 जो है रुपीज हम लोगों को पेड करने पड़ रहे हैं पर डॉलर के मुकाबले, और गोल्ड की जो प्राइजेस है डॉलर में वो 1860.74 डॉलर पर ट्राई ऑन्स है। उसके अलावा सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो 21.91 डॉलर पर ट्राई ऑन्स है। और दोस्तों आज ही सुबह हम लोगों को एक न्यूज सुनने के लिए मिली कि US ने जो है जो उसका फोर्थ ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर जो है उड़ रहा था, और वो जो ऑब्जेक्ट था उसको लोग जो है कहीं कहीं पे बलून्स बता रहे हैं या फिर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, वो मार गिराया है। और ये इस हफ्ते चौथी बार हुआ है जब US ने कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर उड़ता हुआ मार गिराया है। दरअसल ये घटना शुरू हुई थी 4 फरवरी से। 4 फरवरी को जो है चाइना का एक जो बलून है वो US के ऊपर जो है उड़ता हुआ आया था, और चाइना का ये कहना था कि ये जो है हम लोग वेदर की कंडीशंस नापने के लिए जो है ये बलून जो है छोड़े थे, लेकिन वो हवा के झोंके से जो है वो अमेरिका के ऊपर चले गया, तो अमेरिका ने जो है उसको मार गिराया। उसके बाद में चाइना जो है बहुत नाराज हो गया, और अभी जो है 2-3 और जो है ऐसी टाइप के जो है स्पाई जो बलून्स है हम लोगों को देखने के लिए US के ऊपर दिख रहे थे। उसके बाद में आज सुबह ही जो चौथा ऑब्जेक्ट है वो USA ने मार गिराया है। तो USA और चाइना में कहीं ना कहीं जो है माहौल गर्माता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है, और हम लोगों को इसकी वजह से ये देखने के लिए मिलेगा कि हो सकता है कि गोल्ड के प्राइजेस या तो बढ़ना शुरू हो या तो फिर घटना शुरू हो। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियोस में बताता हूँ कि निवेशक होता है जो सबसे डरा हुआ व्यक्ति होता है, वो यही सोचता है कि अब जो है गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है तो मैं जो है धीरे धीरे गोल्ड से पैसा निकाल लूं, या फिर अब जो है गोल्ड का प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मैं अपना पैसा जो है गोल्ड में डाल दूं। तो इसकी वजह से दोस्तों ये जो इंसिडेंट है इसकी वजह से ये हो सकता है कि निवेशक इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो USA ने जो है इन सारी चीजों को जो है मार गिराया, तो निवेशक इसको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है निवेशक इसको निगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं। अब जो है मैंने आप लोगों को जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जो है एक वीडियो बना के बताऊंगा कि चाइना क्यों गोल्ड बार बार जो है अपने पास में बाई करके रख रहा है और उसके पीछे क्या कारण है, और गोल्ड के प्राइसेस इस चीज की वजह से कैसे बढ़ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक और वीडियो कि अगर आप लोग जो है आपके घर में मैरिज है तो गोल्ड बाई करना चाहते हो और आपका बजट कम है तो किस तरीके से बाई कर सकते हो, इसके लिए भी वीडियो जो है रेडी है। आप दोनों में से कौन सा वीडियो जो है फर्स्ट में देखना चाहेंगे ये मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।